नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोग का फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ग्राम श्री किसान में। आज हम लोग मशरूम का हार्वेस्टिंग करते हैं। लगभग 20 रोज पहले हम लोग ये मशरूम लगवाए थे, आप लोग देख सकते हैं मशरूम, ऑयस्टर मशरूम है ये। 21 रोज पहले मशरूम लगवाए थे, आज इसका हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ मशरूम आप ऐसा देखिएगा जिसमें अभी मशरूम नहीं निकला है, ये हम लोग लगभग 5 रोज 6 रोज पहले उसके बाद लगवाए थे, इसलिए इसमें से अभी नहीं निकला है, इसमें से धीरे धीरे निकल रहा है अभी। आज जिसमें से निकल गया जो हम पहले लगाए थे, जिसको 21 रोज लगभग हो गया है, आज उसका हम लोग हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं, जहां से मतलब वो निकली है उससे 1 इंच से आगे से हम लोग उसको आज काटेंगे। चलिए देखते हैं कैसे काटते हैं उसको। जैसे उसको हम लोग यहाँ से पकड़ लिया है, पकड़ने के बाद क्या करेंगे, ये 1 इंच लगभग आगे से हम लोग काटेंगे, 1 इंच आगे से काटने का प्रयास करते हैं। और हम हमेशा जो ब्लेड यूज करेंगे वो हमारा सैनिटाइज ब्लेड होना चाहिए, कभी पुराना ब्लेड लेके यूज नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन यही है, अगर हम पुराना ब्लेड यूज करते हैं, अगर पुराना ब्लेड हम यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप लोग देखिए हमारा ये ऑयस्टर मशरूम है, इससे बड़ा छत्ता आपको भी दिखाएंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं, इसके बाद हम दूसरा मशरूम काटेंगे अभी। चलिए देखिए इसको हम लोग रखते हैं इसके अंदर, देखिए इससे बड़ी छाते हमारे ये है। इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 इंच दूर से काटेंगे, सटा के कभी भी नहीं काटते हैं। आप लोग देख सकते हैं नया ब्लेड हम लोग यूज कर रहे हैं, कभी पुराना ब्लेड इसको यूज नहीं मत कीजिएगा, बहुत अच्छा ग्रो किया देख सकते हैं इसको। आप देखिए अभी कितना अच्छा है हमारा मशरूम। कोई बात नहीं, इधर दिखाइएगा कैमरा, बस उसको रंध्रो छोड़ दो। चलिए ठीक है, फिर हम आप लोग को 4-5 रोज के बाद फिर हम लोग फिर मशरूम दूसरा निकल रहा है उसको काटेंगे, फिर आप लोग के 4-5 रोज के बाद हम फिर आपको ये वीडियो दिखाएंगे हम लोग फिर कैसे नया मशरूम जो निकालेंगे उसका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। चलिए धन्यवाद किसान भाई सभी को।